मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे में 13 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ बिजली गिर सकती है। मौसम विभाग ने रीवा, सागर, शहडोल संभाग के साथ ही प्रदेश के कुछ दूसरे जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। भोपाल में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। रेड जोन के करीब चल रहे इंदौर संभाग में 15 अगस्त तक तेज बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल भोपाल इंदौर में मानसून की कोई एक्टिविटी नहीं होने के कारण तेज बारिश की संभावना कम है। एमपी विधानसभा में मंगलवार को अवैध कॉलोनी को वैध करने का विधेयक सरकार ने पारित कर दिया है। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही सरकार इसे लागू करेगी। इसके बाद प्रदेश भर की अवैध कॉलोनियों के नियमित होने के रास्ते खुल जाएंगे। इन अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोग अपने घर के अवैध हिस्से को भी वैध करा सकेंगे। साइड और पीछे निर्माण करने पर अतिरिक्त शुल्क चुकाकर छूट ली जा सकती है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने विशेष परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों का वर्तमान परीक्षा परिणाम ही मान्य होगा। विशेष परीक्षा में जो विद्यार्थी शामिल होंगे उनका वर्तमान परीक्षा परिणाम अमान्य हो जाएगा। विशेष परीक्षा के आधार पर ही इनका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। बाढ़ पीड़ितों को तत्काल सहायता न मिल पाने की वजह से नाराज श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने विधानसभा परिसर में अपना कुर्ता फाड़ लिया। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। जंडेल ने कहा कि बाढ़ से श्योपुर क्षेत्र में बड़ा नुकसान हुआ है। विधायक ने कहा, मेरे क्षेत्र के लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, मैं कपड़े कैसे पहन सकता हूँ। ये कहते उन्होंने अपना कुर्ता फाड़ लिया। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू 20 अगस्त तक जारी रहेगा। मंगलवार को गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। इसके चलते पाबंदियां पहले की तरह ही लागू रहेंगी। भोपाल समेत प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में रात 11 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। सिनेमाघर, जिम और धार्मिक स्थलों में लोगों की संख्या सीमित ही रहेगी। बिहार और उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी पिछड़ा वर्ग पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक मंगलवार को सरकार विरोधी नारे लिखे हुए काला एप्रन पहनकर विधानसभा पहुंचे। सदन की कार्रवाई के दौरान इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस की मांग थी कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने को लेकर सरकार सदन में अपना पक्ष रखे। हंगामे के बीच ही बहुमत के आधार पर सरकार ने अनुपूरक बजट और दो विधेयक पारित कराए।